The question is, from the following information, prepare a cash flow statement. Balance sheet as at 31st March current year दे रखा है, last year और current year का figure दे रखा है. पूरे question ढंग से देखो, उसके अंदर के hidden adjustment है. 15% debentures. तो इसीलिए हमें debenture interest पे provide करना पड़ेगा. In the books of Dasdas Limited, working notes. डिबेंचर इंटरेस्ट पेड फर्स्ट ईयर्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर जो बाकी इश्यू हो रहा है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिबेंचर आपका दे रखा है 50,000 और सेकेंड ईयर में 80,000, मतलब करंट ईयर में 80,000, जो 30,000 इश्यू हुआ उसका डेट नहीं है. तो हमें फर्स्ट ईयर पे हमेशा प्रोवाइड करेंगे, हम बोलेंगे नोट दे देंगे कि इश्यू जो हो रखा है वो इसी साल का लास्ट डेट में हो रखा है 31st मार्च ऑफ करंट ईयर. तो 7,500 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और फाइनेंसिंग में माइनस होगा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड. देन कम्स योर फेयर नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च डैश डैश ईयर लिखो, करंट ईयर पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट और रूपी सिंबल लगाओ. इसके बाद सबसे पहला ए पार्ट हम निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए पार्ट है. हम लोगों को सरप्लस दे रखा है, सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ये सरप्लस में इन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट का बैलेंस था 82,000, इस साल हो गया 183,000, तो बढ़ गया. तो कितना प्रॉफिट बढ़ा, तो हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन 183,000, इसी साल का बैलेंस लास्ट ईयर का 82,000 माइनस करके 101,000 हम इसी साल कमाया. दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशंस 101,000. दिस इज डिफरेंस, दिस वाज डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के एड नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस. इसी के साथ हमारा आफ्टर अप्रोप्रिएशन हम निकाल रहे थे, बट अप्रोप्रिएशन आइटम कुछ है नहीं. तो ये जो आइटम आया 101,000 जो अमाउंट आया उसको हम बोलेंगे कि ये बिफोर अप्रोप्रिएशन है. और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसमें हम कैश पे नहीं करते, ये हमारे ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल नहीं है, द आइटम्स आर डिबेंचर इंटरेस्ट, हम कैश में पे करेंगे बट ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं. ये फाइनेंस करवाया था हमने, पैसे लिए हुए थे तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. नेक्स्ट है इसको ऐड करके 108,500, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 108,500. इसके साथ ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी. करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी दे रखा है. फर्स्ट आइटम है उसका ट्रेड रिसीवेबल. आप देखो बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल 70,000 था लास्ट ईयर का, इस साल हो गया 32,000, तो डिक्रीज हो गया 38,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स. एसेट डिक्रीज होता है तो पैसा आया, ऑपरेटिंग इनफ्लो. नेक्स्ट वन इज आपके ट्रेड पेबल्स, आपके करेंट लायबिलिटी के नीचे पहला आइटम 110,000 से 150,000 हो गया, तो 40,000 बढ़ गया. लायबिलिटी बढ़ेगा तो आउटफ्लो, ऑपरेटिंग आउटफ्लो. तो अभी ये दोनों को ऐड करके 108,500 प्लस 78,000, ये आपके आएगा बैलेंस. इसको बैलेंस बोलो या कुछ मत बोलो, 186,500 लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज. इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज. इसका फर्स्ट है इन्वेंटरीज. इन्वेंटरी होता है स्टॉक. स्टॉक अब बढ़ रहा है 1,50,000 से 2,56,000 बढ़ रहा है, तो ये लेस होगा क्योंकि हमने स्टॉक खरीद लिया, हमारा ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो गया. एंड अदर करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज का सेकेंड आइटम 20,000 से 12,000 डिक्रीज हो गया 8,000, हमने पे कर दिया होगा उधारी, ऑपरेटिंग आउटफ्लो. तो ये दोनों को यानी 64,000 माइनस करके बैलेंस से मिलेगा
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए पार्ट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट बी पार्ट इज योर्स, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 1,17,274 हो रहा है, 1,17,000 से 2,74,000 हो रहा है। तो जितना बढ़ रहा है उतना हमने खरीदा, दिस इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड 1,57,500, हमने खरीद लिया, पैसा गया। नेक्स्ट वन इज वी इन्वेस्टेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी बढ़ रहा है, हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा, हम परचेज किया, इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज, पैसा गया 13,000। ये दोनों में आउटफ्लो हो रहा है, तो 157 और 13 दैट इज इक्वल टू 1,70,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। माइनस में आ गया तो पैसा गया माइनस, प्लस में आया 1,22,000 मतलब आया। देन सी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हमने कितने लोगों से उधार लिया, शेयर कैपिटल रेज किया, शेयर कैपिटल 2,00,000 से 2,50,000 हो गया इस साल, लास्ट ईयर 2,00,000, करेंट ईयर 2,50,000, तो 50,000 बढ़ गया शेयर कैपिटल इशूड, 50,000 प्लस 50,000। लॉन्ग टर्म बरोइंग 50,000 से 80,000 हो गया, लॉन्ग टर्म बरोइंग दैट इज डिवेंचर इशूड, लॉन्ग टर्म बरोइंग्स टेकन, डिवेंचर इशूड 30,000। और आपका एक डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे थे, आपको ध्यान होगा डिवेंचर इंटरेस्ट है इसमें, ये दोनों तो बढ़ रहा था तो पैसा आया, डिवेंचर में हमने इंटरेस्ट पे कर रहे थे 7,500, डिवेंचर इंटरेस्ट पे 7,500 माइनस, और इसको हम अगर ऐड करेंगे विल बी गेटिंग, तीनों को दोनों को ऐड करके 7,500 लेस करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया 72,500, ये तीनों का कैलकुलेशन। अभी ए माइनस बी प्लस सी करो, ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस में था, बी माइनस में है, सी प्लस में है, तो ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 25,000 आ गया, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्लस में आया तो बढ़ गया। इसके साथ हम ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करेंगे, अगर ओपनिंग कैश बैलेंस हम ऐड करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 लास्ट ईयर का, तो हमें अगर 95,000 आंसर आएगा क्लोजिंग, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर 70,000 हम ऐड करेंगे तो 25 + 75 = 95, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया, तो हमें प्रूफ मिल रहा है कि ये करेक्ट है। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप जैसे करते हो तो ए प्लस माइनस बी प्लस सी, ए होता है आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी होता है कैश रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आइदर फ्लो हो रहा है और यूज हो रहा है, और इसके अलावा आपके सी पार्ट में होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो देर इज ए इनफ्लो, घट रहा है तो आउटफ्लो। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो देर इज नथिंग टू डू विथ द टैक्स, बट ये सब करने के बाद ना आप ए माइनस बी प्लस सी इस तरीके में अगर आप लिखोगे तो आपके अगर प्लस में आया तीनों कार्डिशन ए बी सी का, तो ये अगर प्लस में आता है तो दैट इज इंक्रीजिंग, अगर ये माइनस में आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस केस में प्लस में आया तो इट इज इंक्रीजिंग। इसके साथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे, ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस और ओपनिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट के नीचे दिया होगा। इस क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो नॉन करेंट एसेट्स के नीचे दे रखा है, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके जब इसका प्लस में आया तो पॉजिटिव, तो इसके साथ ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, करेंट इन्वेस्टमेंट ध्यान दो, वो करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स के हेड में फर्स्ट ए पार्ट में यूजुअली होता है,
तो तीनों को ऐड करके देखेंगे, और क्लोजिंग में वही तीनों को ऐड करके दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ऑलवेज राइट डाउन इक्विवेलेंट्स। और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।